सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो, और आप देख रहे हैं बीटेक टेक्निकल भैया, और मैं हूँ आपका दोस्त विजय मिश्रा। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आप इमेज से बैकग्राउंड हटाते हैं, और या तो उसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं PNG फोटो, वो हम आईफोन में कैसे करते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका है जो मैं आपको आज बताऊंगा। आप ये जो काम है उसको आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, बट उसमें लिटिल बिट आपको टफ पड़ जाता है, और आईफोन में ये काम चुटकियों में हो जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम जो इमेज PNG है उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको कोई करना होगा फोटो सेलेक्ट। जैसे मैंने अपने फ़ोटोज़ किया, और मुझे जो फ़ोटो PNG में कन्वर्ट करनी है, मैंने उसको ऐसे टैप किया, यहाँ पे गया और ये टैप किया, और देन उसके बाद यहाँ से मैं उठाया इसको, और ये जैसे मुझे पेस्ट करना, नोट्स पे गया मैं, फिर इसमें गया मैं, ये देखिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए जो मेरी फ़ोटोज़, ये देखिए कितनी बढ़िया फ़ोटोज़ में आई है, और एक भी कहीं दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ फ़ोटो आई है, देखिए। और आपको अगर भेजना है तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉपी है, शेयर है, शेयर पर क्लिक करेंगे और ये इमेज जो जाएगी पूरी PNG फॉर्मेट में, आप जाके व्हाट्सएप पे किसी को भी ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, माई स्टेटस पे जिसको भी देना। ये देखिए सेंड हो गया, हालांकि नेट नहीं ऑन, अभी जाएगी नहीं। गाइस, एक तरीका और है, बट उसमें जो PNG फोटो जाती है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं जाती। जैसे ये मैं यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी का, एक शेयर का। यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन आप अगर भेजेंगे तो यहाँ पे जो PNG फोटो जाती है वो जाती तो है, बट उसमें बैकग्राउंड जो रहता है उसका वाइट हो जाता है, तो ये वाला PNG सही से वर्क नहीं करता है। आप उससे ट्राई, ये देखिए इस पूरी पूरा बैकग्राउंड जो है पीछे वाइट हो जा रहा है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं, वो वाला आपके लिए सही रहेगा। सो गाइस, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताया आईफोन में, और बाकी ये काम आईफोन में आप विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं, बट एंड्रॉयड में आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको रब करेंगे, है ना, बैकग्राउंड हटाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट आईफोन में आपको जस्ट 2 सेकेंड करना है, और आपकी जो फोटो है वो PNG में तुरंत कन्वर्ट हो जाती है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे हम बैकग्राउंड को हटाते हैं अपनी इमेज से, या तो एक तरह से कहते हैं बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।